हेलो एवरीवन वेलकम टू लव किचन आज हम बनाएंगे चालता की खट्टी मीठी चटपटी अचार चालता को एलिफेंट एप्पल भी कहते हैं ये थोड़े से खट्टे किस्म के होते हैं तो इसके अचार ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो इसे हम काटेंगे तो इस चालता को काटने के लिए ना थोड़ा धार दार वाला चाकू चाहिए है होते हैं क्योंकि ये थोड़े से मजबूत होते हैं तो मैंने बीज में से काट लिया है इस चालता को चार टुकड़ा में इस तरीके से काट लेना है तो इस तरीके से अब बीज में ना एक सॉफ्ट सा एक पार्ट है तो इसे हमें अलग कर लेना है ये देख सकते हो आप तो इसके अंदर के जो भाग है ये असल में बीज होते हैं तो इस बीज के भाग को ना हमें निकाल के अलग कर लेना है चलता ना पूरा काटने से पहले धुलना नहीं है नहीं तो ना जैसे भिंडी या फिर एलोवेरा में जैसे थोड़ा सा चिपचिप -चिप करते हैं उस तरीके से चिपचिपेपन होते हैं हल्का सा तो इसलिए पहले हम लोग कटिंग कर लेंगे तो इस तरीके से देखिए लंबे लंबे साइज में ना हम काट लेंगे तो पहले हम काट लेंगे फिर इसके छिलके निकाल लेंगे अगर आपको लगे कि पहले छिलका निकाल लेना है फिर पीसेस में काटना है तो आप उस तरीके से भी काट सकते हो चालता के जो सबसे ऊपर वाला ये पार्ट है ये बहुत ही हार्ड है और खाने में अच्छे नहीं लगते हैं तो इसलिए ऊपर वाला जो लेयर है उसे हम फेंक देंगे अब देखिए मैंने इस तरीके से अब छिलका को निकाल लूँगी तो आप चाहे तो पहले से ही एक एक लेयर अलग करके उसका छिलका निकाल सकते हो तो इस चालता का जो जितना ग्रीन छिलका है उसे ही हम ज़्यादातर निकालेंगे और जो छिलके नरम हैं उस छिलका को हमें फेंकना नहीं है जो हल्के पीले रंग का होंगे तो इस तरीके से हम काट लिए हैं तो अभी आगे का भी जो है तो यहाँ पे दो चालता मैंने लिया है दोनों ही काट के एकदम सीधा कढ़ाई की तरफ चलते हैं तो मैंने लिया है एक कढ़ाई उसमें मैं डालूंगी देर कप पानी तो मैंने यहाँ पे देर लिया है चालता मैंने दो पूरा नहीं डाला है इसलिए मैं देर कप पानी डाल दे रही हूँ डाला है थोड़ा सा नमक और चुटकी भर हल्दी पाउडर अब इस हल्दी वाले पानी के अंदर मैंने सारे कटे हुए चालता को डाल दिया है पर चालता को ना बहुत जल्दी जल्दी काटना पड़ता है ना ही ना कलर चेंज होकर रेड कलर हो जाते हैं अब ढक्कन लगा के ढक देंगे और इस अचार के लिए एक मसाला तैयार करेंगे तो मैंने बड़े चम्मच का दो चम्मच लिया है धनिया डेढ़ चम्मच लिया है साबुत जीरा मैंने दो टुकड़ा लिया है दालचीनी अब एक साथ में ना हल्का सा मिक्सड करेंगे और ड्राई रोस्ट करेंगे मसाला को रोस्ट करते वक्त हमें फ्लेम को लो ही रखना है अब इसमें मैं ज़रूरत के हिसाब से डाल दे रही हूँ सूखा मिर्च तो ये काफ़ी तीखी वाली है तो मैंने चार डाला है अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ पाँच तो पाँच फुरोन के अंदर सौफ़ मेथी जीरा थोड़ा सा काले सरसों और यहाँ पे काला जीरा यानी कि मगराइल होते हैं तो मैंने एक बड़े चम्मच का डाल दिया है और इस मसाले के अंदर थोड़ा सॉफ्ट का फ्लेवर ज़्यादा जाएगा तो इसमें एक्स्ट्रा हम एक चम्मच भर के डालेंगे तो भी एकदम लास्ट में डालना है तो इसमें ना हल्का सा गरम होना है इसमें ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे ना मेथी और सॉफ्ट में से ना एक करवाट आएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर चुके हैं और इस पैन में जो हीट है उसमें ही एक से डेढ़ मिनट तक इस तरीके से रहने देंगे फिर हम ठंडा करके पाउडर करेंगे तो तब तक देखिए हमने जो चालता को बॉइल करने दिया था वो बॉयल हो चुके हैं और इसका पानी हमें फेंकना नहीं है जितना पानी हमने डाला था इस चालता के अंदर ही सूख जाना है तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे एक प्लेट में अब यहाँ पे ना किसी भी चीज़ के ऊपर आप सिल ले सकते हो तो इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ले सकते हो आप अब इसे थोड़ा थोड़ा सा हम हल्के हल्के से इस तरीके से कूट लेंगे पूरा एकदम मैश नहीं करना है हल्का हल्का सा हम कूटेंगे इस तरीके से जिससे ना इसके अंदर तक एकदम टेस्ट भर जाएंगे और चालता के अचार इसी तरीके से बनाए जाते हैं जो हम लोग बाहर से खरीद के खाते हैं तो इसी तरीके से सारे चालता को हम कूट लेंगे तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं तो मैं लिया है कढ़ाई इसमें मैं वन फोर्थ कप डाल दे रही हूँ यानी कि एक करछी जितना मैंने सरसों का तेल डाला एक तेज पत्ती और इसमें डेढ़ चम्मच मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को स्लो रखा है और हम दो बड़े चम्मच का डालेंगे पीले वाले सरसों का पेस्ट इस मसाला को हमें बस मिक्सड कर लेना है और बस थर्टी सेकेंड तक इस तरीके से ना मिक्स करते हुए एकदम हल्का सा फ्राई करेंगे इससे ज़्यादा हमें जैसे सब्जी में हम लोग मसाला भूनते हैं उतना हमें भूनने की जरूरत नहीं है अब इसके अंदर मैं कुटी हुई चालता सारे डाल दे रही हूँ अब चालता डालने के बाद चालता को अच्छे से हम मिक्स करेंगे अब इस चालता के अंदर मैं डाल दे रही हूँ एक चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर अच्छा कलर के लिए और हमने जो मसाला रोस्ट किया था उसे मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है मैंने डाल दिया है पूरा मसाला अच्छे से मिलाएंगे फ्रेंड्स आप यहाँ पे मार्केट जैसा कलर लाने के लिए ऑरेंज रेड फूड कलर एक चुटकी भर डालना चाहे तो डाल सकते हो जो मार्केट में डाले जाते हैं लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ तो इस टाइम फ्लेम को एकदम हाई नहीं करना है नहीं तो ना नीचे से मसाला सारा जलना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे हमने तेल बहुत ही कम डाला है अब इसके अंदर मैं डाल दे रही हूँ बतासा तो मैंने यहाँ पे गुड़ वाला बतासा लिया है आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ ले सकते हो तो मैंने यहाँ पे डेढ़ सौ ग्राम लिया है बतासा तो आप मीठा अपने स्वाद अनुसार तो चेक कर सकते हो फिर जरूरत हो तो आप थोड़ा सा मीठा और ऐड कर सकते हो इसमें चीनी में मत बनाइएगा क्योंकि गुड़ या फिर इस तरीके से गुड़ का बतासा डालने से ज्यादा कलरफुल और ज्यादा टेस्टी बनते हैं अब इस तरीके से चलाते हुए तीन मिनट पूरा हो चुके हैं अब इस टाइम हम डालेंगे इसमें काले नमक एक चम्मच मैंने डाला है अब इसमें डाल दे रही हूँ मैं विनेगर तो इसमें जो खाने वाला चाइनीज़ फूड में हम लोग डालते हैं वही वाला विनेगर यानी कि सिरका है तो मैंने यहाँ पे तीन चम्मच जितना डाल दे रही हूँ इससे क्या होंगे हमारे चाल तक अचार खराब नहीं होंगे और बहुत दिन टिकेंगे क्योंकि इसमें हमने तेल बहुत ही कम यूज़ किया है चालता के आचार आप सालों साल अगर रख के खाना चाहते हो तो थोड़ा सा तेल और डालना होगा और कांच के डिब्बा में भर के धूप दिखा देना बस उसके बाद आप पूरा साल भर मज़ा ले सकते हो तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं तो इस तरीके से देखिए इस चालता के आचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं छोटे से बड़े सभी के मुंह में आ जाते हैं पानी तो जब भी चालता के आचार का मजा ले तो उससे पहले थोड़ा सा काला नमक ऊपर से छिड़क दे और फिर खाए चालता के अचार तो फ्रेंड्स आज का हमारा खट्टी मीठी तीखी चालता के आचार रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके और इस चाल तक को आप लोग किस नाम से जानते हो ये भी जरूर से लिखना कमेंट में इस तरीके की चटपटी रेसिपी अगर आप देखना चाहो हर रोज तो लव किचन चैनल को अभी तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली रेसिपी में टाटा बाय बाय टेक केयर